Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार दोस्तों इतिहास लेखन के ऊपर केंद्रित इस श्रृंखला में हम लोग आज जाति प्रथा और सामाजिक इतिहास से संबंधित इतिहास लेखन की बात करेंगे और इस चर्चा को जारी रखते हुए हम अगले कुछ लेक्चर्स में इसी विषय के अलग अलग पहलुओं के तरफ भी अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और एक तरह से कहें तो हमने सामाजिक इतिहास लेखन के क्षेत्र की जांच पड़ताल कृषक इतिहास लेखन या श्रमिक वर्गों के ऊपर के इतिहास लेखन आदि की चर्चा के साथ पहले ही शुरू कर दिया था लेकिन आज जिस खास बिंदु की तरफ मैं आप सबका ध्यान चाहूँगा वह यह कि जाति प्रथा एक महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दा रहा है और इसकी अवधारणा इसके बदलते हुए स्वरूप इस 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 बाबत जाति संरचना जाति प्रथा के बार बारे में हमारी जो समझ है वो किस प्रकार बदलती रही किस प्रकार स्वरूपित होती रही यह सामाजिक इतिहास को समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है भारतीय संदर्भों में तो यहाँ से चर्चा शुरू करते हुए हम लोग फिर आगे सेंसस और जाति प्रथा के बदलते हुए स्वरूप के बारे में बात करेंगे या फिर 19वीं सदी के उत्तरार्ध से किस प्रकार जाति आधारित संगठन आकार लेने लगी थी और उनका सामाजिक इतिहास क्या है इन सब मुद्दों पर या फिर आगे दलित इतिहास सामाजिक जाति विरोधी जो सामाजिक संस्थाएँ वैचारिकी जो नेतृत्व बीसवीं सदी में आकार ले रहा था उन सब के बारे में भी हम लोग धीरे धीरे चर्चा करेंगे पर उन मुद्दों पर जाने से पहले यह जान लेना मुझे लगता है कि बेहद जरूरी है कि जाति के समझ संबंध में जो हमारी आज की समझ है वो किस प्रकार बनी पिछले 200 सालों में और इसके संबंध में जो अकादमिक विमर्श होता रहा है उसके क्या मुख्य पड़ाव रहे हैं तो पहली बात जो मेरे जहन में आती है वह यह कि जाति प्रथा किस प्रकार से भारतीय इतिहास भारतीय परंपरा के साथ एक में होकर जुड़ गई और जब मैं ये कह रहा हूँ कि जुड़ गई तो यहाँ इस बात पर मैं बल देना चाहता हूँ कि यह जो सोच बनी उसका क्या इतिहास रहा क्या यह जो भारतीय परंपरा और जाति व्यवस्था की जो के बीच का जो समीकरण है हमेशा से ऐसा ही रहा या इसमें कुछ इस समीकरण में इस समझ में कोई बदलाव आया तो यहाँ मुझे पंडित जवाहरलाल नेहरू की उक्ति याद आती है जब उन्होंने कहा कि वैश्विक परिपेक्ष में भारत के बाहर भी जिसने भारत के बारे में कुछ भी सुना है वह कम से कम जाति प्रथा के बारे में जरूर सुना होता है तो भारत के बारे में यदि कोई एक सामाजिक तथ्य जानता है तो वह जाति प्रथा यह जो केंद्रीयता है भारतीय समाज की समझ उसकी छवियों को लेकर यह जो जाति की केंद्रीयता है जाति व्यवस्था की केंद्रीयता है उसकी तरफ यह एक यह उक्ति एक इशारा है तो यहाँ दूसरा जो महत्वपूर्ण पहलू है जो ब्रॉडर कोर एस्पेक्ट आप कह सकते हैं कि जब हम जाति प्रथा की बात करते हैं इस विमर्श की बात करते हैं पिछले 200 सालों का जो इतिहास रहा है वहां सामाजिक संगठन की दो विपरीत अवधारणाएं हमारे सामने आती हैं एक जो परंपरागत भारतीय यह जो छवि है जिसमें समाज की मूलभूत इकाई समूहवादी है और यहाँ समूह को एक कलेक्टिव को समाज का के मूल में माना गया है दूसरे तरफ इसके बरक्स जो पाश्चात्य यूरोपीय औद्योगिकरण के बाद से पनपी यूरोपीय प्रबुद्धवाद के परिणाम के रूप में पनपी अवधारणा है जिसमें समाज की मूलभूत इकाई व्यक्ति को माना गया है न कि किसी समूह को तो समूह बनाम व्यक्तिवादी जो समाज की अवधारणा है उसके टकरावट का भी एक की वैचारिकी के रूप में हमारे सामने आता है जाति प्रथा का इतिहास तीसरी जो अहम भूमिका इस इतिहास लेखन या इस वैचारिकी में रही वह यह कि या तो यह माना गया कि जाति प्रथा जरूत रही उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया और यह जो उसका स्टैग्नेंट स्वरूप है उसका जरूत रूप है इसी के कारण भारतीय समाज यह एक महत्वपूर्ण कारक माना गया भारतीय समाज के भारतीय ग्रामीण समुदाय के जरूरत होने का अपरिवर्तनशील होने का रूढ़िवादी होने का तो यहां दरअसल कुछ वैचारिक थॉट्स में कुछ विद्वानों ने कुछ इतिहासकारों ने इस इसी सैद्धांतिकी के तहत यह भी कहा कि भारतीय जाति व्यवस्था के भीतर कुछ बदलाव 2000 सालों में आए भी लेकिन जाति व्यवस्था का कोई बदलाव नहीं हुआ चेंजेस इन कास्ट सिस्टम को मानने के लिए इनमें से कुछ इतिहासकार कुछ विचारक सहमत रहे लेकिन इनका यह मानना रहा कि जाति व्यवस्था कास्ट सिस्टम में कोई चेंज नहीं हुआ तो ये तीन चार कुछ प्रभावशाली स्थापनाओं का मैं शुरू में हवाला दे रहा था जिससे कि आगे हमें इस विमर्श को समझने में सहूलियत हो और इस ये जो तीन मैंने प्रस्तावना दिए इनके बीच की कई संश्लिष्टताएँ रही जिनमें से कुछ पर हम चर्चा करेंगे हर पर हर एक संश्लिष्टताओं हर एक परत दर परत जाना यहाँ संभव नहीं होगा इस एक लेक्चर में लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि हम इनके अधिक से अधिक पहलुओं को कम से कम उसकी तरफ इशारा करें जैसा कि अन्य लेक्चर्स में भी हमने शुरुआत 19वीं सदी से या 18वीं सदी के अंत से की तो आज का भी हमारा प्रस्थान बिंदु 19वीं सदी की शुरुआती दशक से ही होगा और जेम्स मिल के इतिहास से हम बात शुरू करेंगे जिसके बारे में हम शुरुआती लेक्चर्स में कुछ विस्तार से हम बात कर चुके हैं लेकिन यहाँ जो महत्वपूर्ण है वह यह कि जेम्स मिल ने जब भारत के इस अपरिवर्तनशील या पिछड़ेपन के कारणों को रेखांकित करना शुरू किया तो इसे एक सभ्यताजनित जो सिविलाइजेशनल प्लेन पर उस धरातल पर उन्होंने इसको स्थापित किया और फिर वहाँ इसके केंद्र में जाति प्रथा की रूढ़िवादिता को रखा और इस को थियोराइज करते हुए आप कह सकते हैं इसको एक सैद्धांतिक आधार देते हुए उन्होंने कहा कि जाति प्रथा भारतीय समाज को समझने का एक सूत्र देता है केंद्रीय सूत्र देता है इसके जरिए आप भारतीय समाज की बारीकियों को समझ सकते हैं और इसे उन्होंने कहा परिभाषा परिभाषित करते हुए कि यह हिंदू कानूनों के रचयिता द्वारा किया गया एक प्रकार का वर्गीकरण था जो श्रम और रोजगार का आदिम और सरल रूप है तो ये जो आदिम और सर, सरल रूप इस दो कारणों से भी इनके इस फ्रेम में इस नजरिए में जाति प्रथा बहुत अहम स्थान केंद्रीय भूमिका के साथ हमारे सामने आता है और यह जो जनिक जनित जो धरातल है और उसमें जो जाति की केंद्रीय भूमिका है यह कमोबेश इस तरह से पूरे 19वीं सदी में हम पाते हैं चाहे वह हेगेल या मार्क्स के विचारों में हो या बाद में वेबर के विचारों में हो हर कहीं ये जो जाति आधारित श्रम का वर्गीकरण और चाहे इसके सामाजिक आर्थिक पहलुओं पर बात की गई या हेगेल के तरफ जाए तो इसके ईडियोलॉजिकल आस्पेक्ट्स की बात की गई उसको उभारा गया लेकिन यह कमोबेस यह मूल में रहा लेकिन इसका यह कतई मतलब नहीं है मैं एक बार फिर से रेखांकित करना चाहूंगा कि 19वीं सदी में हर कोई हर ब्रिटिश विचारक अफसर, विद्वान जाति प्रथा के बारे में एक ही समझ रखता हो उनके बीच इसके डिटेल्स को लेकर जाति प्रथा को देखने के नजरिए को लेकर मतभेद भी सामने आते हैं हालांकि उस तरफ विस्तार से चर्चा यहाँ मैं समय को ध्यान में रखते हुए नहीं करना चाहता लेकिन एक इतिहास के छात्र के लिए यह ज़रूरी है कि इन डिफरेंसेस को हम कम से कम एक्नॉलेज करें रजिस्टर करें हमारे लिए अगला महत्वपूर्ण पड़ाव इस इतिहास लेखन में 19वीं सदी के अंत की तरफ आता है खासकर यहाँ मैं हट रिसले की बात करना चाहूँगा जो 1901 के सेंसस कमिश्नर थे और इन्होंने महत्वपूर्ण इथ्नोग्राफिक प्रोजेक्ट्स का संचालन किया इन सेंसस इथ्नोग्राफिक सर्वेस ये बहुत बड़े पैमाने पर किया गया और यहाँ जाति और रेस कास्ट एंड रेस इसके बीच के ताल्लुकात को नई परिभाषा के साथ हमारे सामने रखा गया लेकिन इन विवेचनात्मक नतीजों के साथ साथ जो बहुत महत्वपूर्ण है और जिसके कारण रिसले के ये जो इंटरवेंशंस बार बार हमारे चर्चा में आएंगे वह यह कि अब अनेक जातियों का और क्षेत्रीय विविधताओं को एक स्तर पर स्वीकार भी किया गया लेकिन उन्हें नए खांचों के साथ उनको एक तरह से कहें कि रिड्यूस भी किया गया और सेंसस या इन इथनोग्राफिक सर्वे से जाति के संबंध में एक नए तरह का ज्ञान का उत्पादन हुआ जानकारियों को कास्ट कैटेगरीज को रीपैकेज किया गया आप कह सकते हैं और वे एक रिन्यूड फॉर्म में पेडागोजी का हिस्सा बना और उन्हें बहुत असरदार तरीके से टेक्स्ट बुक न्यूज़ पेपर्स रिपोर्ट्स गजेटियर्स आदि में तरजीह दी गई और इसके बहुत दीर्घकालिक परिणाम हुए ख़ासकर बीसवीं सदी में जिस तरह से जाति के इर्द गिर्द पहचान की राजनीति बनी उसके लिए तो यह जो इंटरवेंशन था अंग्रेज सरकार का वह एक तरह से कहें तो मील का पत्थर के रूप में हमारे सामने आता है जिसकी चर्चा के बगैर किसी भी प्रकार के सामाजिक पहचान की इतिहास की कल्पना हम आज नहीं कर सकते हैं और इन सब का मिला जुला जो रूप इसे बात के इतिहासकार ने यहाँ सामाजिक क्षेत्र में सामाजिकता के प्रति जो हमारी समझ बनी वहाँ सरकार का के हस्तक्षेप के रूप में व्याख्यायित किया है और इसलिए भी जो कॉलोनियल स्टेट औपनिवेशिक राज्य को इथ्नोग्राफिक स्टेट के रूप में उस संज्ञा से भी इतिहासकारों ने संवारा है जब रिसले या उससे पहले भी जाति और रेस के बीच के समीकरण की बात की जा रही है तो वहाँ और फिर ये बाद में भी चर्चा का मुद्दा बना रहा जहाँ कबीलाई आधारित समाज व्यवस्था से कृषि आधारित समाज व्यवस्था के बीच के संक्रमण की बात की गई या फिर बात के एंथ्रोपोलॉजिकल सोशियोलॉजिकल डिस्कोर्स और हिस्ट्री में भी ट्राइब कास्ट कंटिन्यूम की बात इतिहासकारों ने की है तो कहीं न कहीं खासकर जब रिसले और उनके आसपास उनके समय के जो विद्वान अब सर इस समीकरण की बात कर रहे थे तो उनके जेहन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सोशल डार्विनिज्म डार्विन के विकासवाद का एक ऑपसूट आप कह सकते हैं जो यूरोप में विकसित हुआ जहां जिस प्रकार डार्विन ने प्रजातियों के बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की बात की उसी को आधार बनाते हुए विद्वानों ने इसी तर्क से सामाजिक विकासवाद की बात सोशल इवोल्यूशन की बात वे कर रहे थे तो इसे सोशल डार्विनिज्म के तौर पर हम देखते हैं तो वह जो सोशल डार्विनिज्म था जिसमें एक खास समाज कबीलाई समाज प्रिमिटिव माना गया और उसके बाद जाति आधारित वर्ण आधारित समाज उससे कम प्रिमिटिव माना गया और इसी की एक काल्पनिक एक इमेजनरी एक्सटेंशन आप कह सकते हैं कि जब यूरोपीय समाज जो व्यक्तिवादी समाज रहा समाज हुआ आधुनिकता के साथ जहाँ व्यक्ति को इकाई माना गया जहाँ इस तरह के जन्म आधारित पदानुक्रम वाले रूढ़िगत संरचना की बात नहीं हो उसे अल्टीमेट डेवलप्ड सोसाइटी के रूप में देखा गया तो ये जो प्रिमिटिव सोसाइटी से लेकर जो मॉडर्न सोशल फॉर्मेशन स्ट्रक्चर के बीच की जो विकास की कड़ी है उस वह समीकरण और यहां जो यूरोपीय दार्शनिक हर्बर्ट स्पेंसर के विचार भी महत्वपूर्ण हैं तो यह जो एक सामाजिक विकास का मॉडल था वह कहीं ना कहीं इस कास्ट और रेस के बीच के समीकरण को स्वरूपित कर रहा था यह भी हमें जेहन में रखना होगा तो इस उन्नीसवीं सदी और बीसवीं सदी के शुरुआती रुझानों के बाद हम बीसवीं सदी में चार पांच महत्वपूर्ण पड़ावों की बात करेंगे और यहाँ एक और भी बात मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि जिस तरह से हम इतिहास लेखन की चर्चा कर रहे हैं जहाँ इतिहास अन्य दूसरे विषयों के साथ मुक्त संवाद स्थापित कर रहा है एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच उस एप्रोच उस नज़रिए की बहुत अहमियत है तो जब हम सामाजिक इतिहास की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है कि सोशियोलॉजिस्ट के कंट्रीब्यूशन एंथ्रोपोलॉजिस्ट के कंट्रीब्यूशन ये हमारे लिए बहुत अहम भूमिका मायने रखते हैं और रिसले के बाद जब हम बीसवीं सदी में पहला जो हमारा महत्वपूर्ण पड़ाव हमारे सामने आता है वह समाजशास्त्री जीएस घुरिये के काम से आता है उन्नीस में इन्होंने कास्ट एंड रेस इन इंडिया इनकी प्रकाशित हुई और इसमें इन्होंने पुरजोर तरीके से सीधे सीधे रिसले की स्थापनाओं के साथ उस संवाद किया उसकी आलोचना की और उसका खंडन किया और यह आलोचना उन्होंने रिसले के इथ्नोग्राफिक प्रोजेक्ट उस पद्धति के साथ शुरू किया उसे खारिज किया उतना ही नहीं इन्होंने इन इंटरवेंशंस इन चाहे वो सेंसस के जरिए जो ये अलग तरह की समझ हमारे सामने आई उसकी आलोचना की खास तौर से इन्होंने कहा कि महज पंजाब और यूनाइटेड प्रोविंसेस के क्षेत्र में ही हम कास्ट और रेस के बीच का वह एक रेखीय समीकरण पाते हैं जिसकी रिसले पूरे भारतीय संदर्भों में जिसे जनरलाइज कर रहे थे और वहाँ भी हमें इस समीकरण को पूर्ण रूप से स्वीकारने में बहुत परेशानी होगी दूसरी बात इन्होंने जो जिस तरह से इतनोग इतनोग्राफिक प्रोजेक्ट में आंकड़े इकट्ठे किए गए और उनको सरलीकृत खाँचों में डालकर पेश किया गया उस विविधता को जिस तरह से रिड्यूस किया गया उसकी आलोचना की और यहाँ जब रिसले इस तरह की कैटेगरीज़ को कम कर रहे थे और नए कैटेगरीज़ बना रहे थे तो इन्होंने घुड़िए ने हमारा ध्यान दिलाया कि किस तरह से यह ख़ासकर महाराष्ट्र और मद्रास प्रोविंसेस के संदर्भ में यह जाति के संबंधित आइडेंटिटी के सवाल को बेहद मानी तरीके से प्रभावित कर सकता है जिसकी बात हमने कुछ पहले भी की साथ ही इन्होंने 19वीं सदी के उत्तरार्ध के बाद से जो जाति सभाएं पनपने लगी थी जिस पर जैसा मैंने शुरू में कहा कि हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे सेंसस के ऊपर भी विस्तार से चर्चा करेंगे तो जो बाद में इतिहासकारों ने इन मुद्दों को अपने शोध का विषय बनाया उसकी जड़ें घुड़िए के द्वारा रिसले के ऊपर की गई आलोचनाओं में जाता है रिसले ने क्षमा करें घुड़िए ने रिसले के विपरीत एक ऐतिहासिक पर्सपेक्टिव से ऐतिहासिक नजरिए से जाति व्यवस्था का मूल्यांकन किया और इन्होंने ये संस्कृत के विद्वान थे तो इन्होंने संस्कृत के संहिताओं में टेक्स्ट में किस प्रकार से जाति वर्ण व्यवस्था समाज को स्वरूपित कर रहा है उसे अपने पद्धति का आधार बनाया और कुछ अध्यायों में वे 1920 के की परिस्थिति के बारे में भी जब वो सेंसस या कास्ट एसोसिएशंस की बात करते हैं वहाँ उन्होंने अपने समय के ऑब्जर्वेशंस को आधार बनाया तो इस प्रकार एक हिस्टोरिकल मॉडल आप कह सकते हैं कास्ट का पहली बार बहुत डिटेल के साथ हमारे सामने अनेक साक्ष्यों के साथ आता है जो सीधे सीधे संस्कृत ग्रंथों से ली गई विवेचनाओं पर आधारित और जैसा मैंने कहा कि बाद के सामाजिक इतिहास या समाजशास्त्र में जब उनके उनकी कई मान्यताएं उनके ही विद्यार्थियों द्वारा या बाद के पीढ़ी के समाजशास्त्रियों द्वारा खंडित की गई नए मेथड्स अपनाए गए नई मान्यताएं पेश की गई इस सब के बावजूद भी घुड़िए के शोध का महत्व उनकी पद्धति का महत्व बना रहा और जो टेक्स्ट बुक या हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जिसे कह सकते हैं यह सही बात है कि आगे आने वाले दशकों में घुड़िए के मेथड और उनकी स्थापना दोनों ही विवादित हुए उनके विद्यार्थियों ने भी और आगे आने वाली पीढ़ियों में समाजशास्त्रियों ने भी घुड़िए के का के विचारों का खंडन किया उनके सिद्धांतों का खंडन किया लेकिन इसके बाद भी यह स्वीकार करने में कतई परहेज़ नहीं होनी चाहिए किसी को कि घुड़िए की मान्यताएं और उनकी पद्धतियां, उनके जो ऑब्जर्वेशंस थे उनकी आलोचना रिस्ले और सेंसर्स या एथनोग्राफिक प्रोजेक्ट्स को लेकर यह सभी इतिहासकारों समाजशास्त्रियों के लिए अनेक इनसाइट्स और प्रोवोकेशंस का कारण बना और इस तरह के पद्धतियों को भी दोहराया जाता रहा बाद के दशकों में भी तो इसलिए घुड़िए एक महत्वपूर्ण प्रस्थान बिंदु हमारे लिए हो जाते हैं जाति के इतिहास की समझ के दृष्टि से जो अगला महत्वपूर्ण इंटरवेंशन हम पाते हैं वे एम एन श्रीनिवास के कामों से एम एन श्रीनिवास घुड़िए के छात्र रहे थे और फिर इन्होंने यूरोप में डिग्री हासिल की उसके बाद 1950 के दशक में शुरू में ये भारत वापस लौटे और इन्होंने घुड़िए के ठीक विपरीत घुड़िए इतिहास को महत्व देते थे ये स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट थे घुड़िए बुक व्यू के जरिए स्क्रिप्चर्स के जरिए संस्कृत टेक्स्ट के ज़रिए कास्ट की बात कर रहे थे एम एन श्रीनिवास फील्ड वर्क के ज़रिए सामाजिक संश्लिष्टता को समझने का प्रयास कर रहे हैं 1950 के दशक में यहाँ इनके नजरिए में इनके मेथड में ऐतिहासिकता का कोई स्थान हम नहीं पाते हैं और इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण स्थापनाएँ दी जो आगे आने वाले पचास सालों में या आज भी बेहद प्रभावशाली हुई इतिहास लेखन और समाज को देखने का के कई महत्वपूर्ण सूत्र इन्होंने दिए जिनमें संस्कृतिकरण आधुनिकीकरण पाश्चात्यीकरण या डोमिनेंट कास्ट्स इन चंद एनालिटिकल कैटेगरीज का मैं यहां खास तौर पर जिक्र करना चाहूंगा और इन्होंने कहा कि जैसे संस्कृतिकरण हर पर बहुत विस्तार से चर्चा संभव नहीं है लेकिन संस्कृतिकरण की बात करें तो यह इन्होंने प्रतिपादित किया कि किस तरह से प्रॉस्पेरिटी के साथ सोशियो इकोनॉमिक खासकर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के साथ जो निचले पायदान पर जातियाँ हुआ करती हैं वे अपने से उच्च जाति के संकेत उनके रिचुअल्स उनकी भाषा उनका आचरण अपनाने का कोशिश करती हैं और इस तरह से इस जाति व्यवस्था के भीतर हम गतिविधियां भी पाते हैं यह कोई रूढ़िगत संरचना नहीं हमारे सामने आती है जब यह सोशल मोबिलिटीज जिसकी बात मैं कह रहा हूं जब एक निचली जाति निचले पदाक्रम की जाति अपने से उच्च जाति के सिंबल्स, रिचुअल्स बिहेवियर्स लैंग्वेज वो एडॉप्ट करने लगता है तो भीतर की संरचना वो ठहरी भी नहीं बल्कि एक डायनामिक स्वरूप के साथ हमारे सामने आती है इसी तरह जो स्थानिक विशेषताएं और विविधताओं को अपने इस जाति के की समझ में उनके योगदान की चर्चा कर करने के लिए उसको समझने के लिए कि किस प्रकार अखिल भारतीय स्तर पर जाति प्रथा एक समान नहीं होता है इसमें स्थानिक विविधताएं होती हैं और इन स्थानिक विविधताओं को समझने के लिए बेहतर समझने के लिए इन्होंने डोमिनेंट कास्ट की संकल्पना दी अर्थात यह जरूरी नहीं है कि यदि एक जाति एक गांव में उसी क्षेत्र के उसी अंचल के किसी एक गांव में अधिक प्रभुत्व वाले स्थान पर है उसका अधिक दबदबा है तो वह पड़ोस के भी गांव में उसी जाति का दबदबा होगा पड़ोस के गांव में संभव है कि किसी दूसरे जाति का दबदबा होगा और इस जो रीजनल वेरिएशन या ये जो लोकल डोमिनेंस होता है कास्ट का उसको समझने के लिए इन्होंने डोमिनेंट कास्ट की संकल्पना दी और ये संकल्पना बहुत गहरा प्रभाव सामाजिक इतिहास लेखन पर छोड़ी इसलिए भी इनका जिक्र यहाँ जरूरी है इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि 1970 के दशक में 1960 के अंत की ओर और, और 1970 के शुरुआत में ही हम एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप फ्रांसिसी विद्वान लुई दुमो के द्वारा पाते हैं इनकी पुस्तक होमो होमोहास कास्ट सिस्टम को समझने में एक केंद्रीय महत्व की पुस्तक बन जाती हैं और इन्होंने जैसा कि टाइटल से भी पता चलता है इन्होंने सोचनात्मक पहलू के बजाय पदानुक्रम हायरार्की को पर अधिक बल दिया इनकी पद्धति में नयापन था जिस तरह से ये सवाल उठा रहे थे वह सैद्धांतिक और सैद्धांतिक और संकल्पनात्मक स्तरों पर बेहद दमदार था और जैसे मैंने कहा कि ये पदानुक्रम पर अधिक बल दे रहे थे केंद्रीय महत्व है इनके लिए तो इन्होंने यदि इनको कोट करते हुए कहें तो इन्होंने लिखा कि द कास्ट टीचर्स ए फंडामेंटल सोशल प्रिंसिपल दैट इज हायरार्की और इस नजरिए को ही समझने के लिए इसकी वैश्विक अभिव्यक्ति को समझने के लिए ये भारत में जाति प्रथा का अध्ययन कर रहे हैं मैं फिर से यदि कोट करूं तो इन्होंने लिखा कि द कास्ट सिस्टम इज एब ऑल ए सिस्टम ऑफ आइडियाज एंड वैल्यूज मूल रूप से जाति को एक वैचारिक और नैतिक सिस्टम माना ए फॉर्मल औपचारिक कॉम्प्रिहेंसिबल समेकित रैशनल सिस्टम अ सिस्टम इन द इंटेलेक्चुअल सेंस ऑफ द टर्म आवर फर्स्ट टास्क इज टू ग्रास्प दिस इंटेलेक्चुअल सिस्टम दिस आइडियोलॉजी तो इसके व्याचारिक आधार की तलाश इनके लिए सबसे अहम रहा इनके पूरे प्रस्तावना के बीच में इन्होंने उसके केंद्र में प्योरिटी और इम्प्योरिटी का द्वंद रखा प्योरिटी और पॉल्यूशन का द्वंद, लेकिन साथ ही उसको उसकी संश्लिष्टता को सामने रखने के लिए इन्होंने यह भी दिखाया कि प्योरिटी एंड पॉल्यूशन कोई विरोधाभासी वृत्त नहीं रहे भारत के संदर्भ में ये बाइनरी ऑपोजिट के रूप में हमारे सामने नहीं आते हैं बल्कि लुई डुमो के फ्रेम में या एक स्पेक्ट्रम के रूप में आते हैं जिनके बीच अलग अलग जातियां इस स्पेक्ट्रम में इन्हो इस पदानुक्रम में उनमें प्योरिटी एंड इम्प्योरिटी का के डिग्री का अंतर हो सकता है और उस स्पेक्ट्रम में अलग अलग वर्ण अलग अलग जातियों को स्थापित किया जा सकता है इस वैचारिक फ्रेम में और इन स्थापनाओं के साथ इन्होंने लेकिन यह भी माना कि जो मैं उन्हें यदि कोट करूं तो वे लिखते हैं कि वन थिंग इज सर्टेन द सोसाइटी एज एन ओवरऑल फ्रेमवर्क हैज़ नॉट चेंज्ड आगे वे लिखते हैं कि देयर हैज़ बीन चेंज इन सोसाइटी एंड नॉट ऑफ सोसाइटी अर्थात वही जो जिस बात की मैं पहले भी जिस तरफ इशारा कर रहा था कि जाति आधारित समाज के भीतर परिवर्तन हुए लेकिन यह समाज नहीं बदला इन प्रस्तावनाओं के साथ ही वे फिर यह भी बताते हैं कि हाल के समय में एक गहरा बदलाव जरूर दिखता है और वह यह कि जहां ऐतिहासिक रूप से जातियां, वर्ण एक दूसरे के ऊपर पारंपरिक तरीके से निर्भर हुआ करते थे इंटरडिपेंडेंस उसका स्थान अब एक ऐसी व्यवस्था ने ले लिया है जहां इकाइया एक दूसरे में प्रवेश न कर सके जहां इकाइयाँ एक दूसरे से असंपृक्त हो गई हैं जो शब्द उन्होंने प्रयोग किया वह इम्पेनेट्रेबल ब्लॉक्स तो अलग अलग जातियों के बीच की रूढ़िगत जो संरचना है वह और अधिक सुदृढ़ होती गई उनके बीच का जो अंतर संबंध था वह अंतर खासकर एक दूसरे के ऊपर निर्भर था वह खत्म हो गया अब ये जो इम्पेनेट्रेबल ब्लॉक्स हैं वे इसेंशियली आइडेंटिकल एंड इन कंपटीशन प्रतिस्पर्धात्मक हो गई एक दूसरे के साथ और डूमो ने इसके लिए द सब्सटेंशियलाइजेशन ऑफ कास्ट कहा है इस संकल्पना का भी 20वीं सदी के सामाजिक इतिहास में खासकर पहचान की राजनीति के साथ जो जाति का मुद्दा जुड़ा है उसको समझने में इतिहासकारों के लिए यह बहुत मानी खेज रहा यह जिस प्रकार मैंने कहा कि नई संकल्पनाएं आ रही हैं चाहे वे धूमों की संकल्पनाएं स्थाप, स्थापनाएँ या फिर एम एन श्रीनिवास की स्थापनाएं हो उसी तरह से हमें इस जाति प्रथा के आधार भूत, कारकों और इंस्टीट्यूशंस के बारे में भी हमारी समझ बनती जा रही है और इसमें एक प्रथा खासकर जो महत्वपूर्ण और काफी चर्चा में रही जिस पर बहुत कुछ लिखा गया समाजशास्त्र में भी और इतिहास में भी सामाजिक इतिहास में भी वह जजमानी प्रथा है। जिसके ऊपर मैं संक्षेप में ही यहाँ जिक्र करना चाहूँगा जो अहम है और यहां यह जजमानी प्रथा दरअसल श्रम के वर्गीकरण को समझने के लिए यह एक प्रिज्म की तरह से एक एनालिटिकल कैटेगरी आप कह सकते हैं एक सोशल कैटेगरी इसके लिए इसका उपयोग आर्थिक इतिहासकारों ने भी ने भी बहुत किया है लेकिन और यह बहुत जल्दी इतिहासकारों और समाजशास्त्रियों ने यह मानना स्वीकार कर दिया कि यह जो सदियों से चली आ रही जाति व्यवस्था है उसका एक महत्वपूर्ण स्तंभ है जजमानी व्यवस्था लेकिन जैसा कि पीटे मेयर बताते हैं कि यह बेहद आश्चर्य करने वाला भी हो सकता है तथ्य कि इसका पहला उल्लेख अमेरिकी एंथ्रोपोलॉजिस्ट वाइजर के ही कामों में बिहाइंड द वॉल्स या फिर उन्होंने पहली बार 1936 में द हिंदू जजमानी सिस्टम लिखा वहीं हम पहली बार जजमानी शब्द का उल्लेख देखते हैं और पीटर मेयर बताते हैं कि यह चकित कर देने वाला हो सकता है कि चाहे वे फ्रांसिस बुकानन हों या यूरोपीय यात्री बर्नियर ट्रेवर्नियर हों या फिर 19वीं सदी से आ रहे अनेक ऐसे रिपोर्टेज हों कहीं हम जजमानी व्यवस्था का उल्लेख इस पद का उल्लेख नहीं देखते हैं तो इस तरह से कई ऐसे संकल्पनाएं हैं जो 20वीं सदी में ही इन्हीं इतिहास लेखन के जरिए इसी विमर्श के जरिए हमारे सामने कुछ इस तरह से आती हैं मानो वे एक नेचुरल सोशल कैटेगरी एक हिस्टोरिकल सोशल कैटेगरी हो फिर इनमें हम विविधताएं भी, भी पाते हैं मद्रास में बलूतादारी हो या फिर पंजाब में मिरासी हो तो क्यों उन्नीसवीं सदी के कैटलॉग्स में जैसे ग्रियर्सन के बिहार पिजेंट लाइफ में हम कहीं जहां अन्य बहुत सारे आर्थिक पदों का जिक्र मिलता है ग्लॉसरीज में कहीं हम क्यों नहीं जजमानी शब्द का प्रयोग पाते हैं और इससे जो यह जो मैं बता रहा था कि बीसवीं सदी में कई पद एक सामाजिक संस्था के रूप में हमारे सामने आ जाता है जो जाति व्यवस्था को ऐतिहासिकता देने में जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है यह हमें इस औपनिवेशिक कालखंड की विशिष्टताओं की तरफ भी ले जाता है और यहाँ मैं महत्वपूर्ण इतिहासकार निकोलस डिर्ग के कामों का जिक्र करना चाहूँगा जिन्होंने बहुत प्रभावशाली तरीके से दिखाया कि किस प्रकार जाति व्यवस्था की जो समझ है और जाति व्यवस्था की न मात्र समझ बल्कि जाति व्यवस्था का जो वर्तमान स्वरूप है वह औपनिवेशिक राज्य के और भारतीय समाज के बीच की अंतर क्रियाओं से उपजा हुआ उपजी हुई संकल्पना है यह इस तरह से एक आधुनिक परिघटना बन जाती लेकिन क्या इसका मतलब निकोलस डिक का यह जो प्रोपोजिशन है यह किसी को बेहद प्रोवोकेटिव लग सकता है बहुत विवादित हुआ क्या इसका मतलब कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले कोई जाति व्यवस्था नहीं थी क्या निकोलस यह कहना चाहते हैं कतई नहीं और इस संश्लिष्टता को समझने के लिए हमें मैं यहाँ उनके एक उनके शब्दों को उद्धृत करना चाहूँगा क्योंकि यह बेहद जरूरी है कि हम यह जाने कि वह क्या कहना चाह रहे हैं एंड आई मैं यहाँ कोट कर रहा हूँ वे कह रहे हैं कि आई डू नॉट मीन टू इम्प्लाई दैट इट वॉज सिंपली इन्वेंटेड बाई द टू क्लेवर ब्रिटिश नाउ क्रेडिटेड With so many imperial patents, that what began as colonial critique has turned into another form of imperial adulation. But I am suggesting that it was under the British that caste became a single term, a single term capable of expressing, organizing, and above all. Systematizing India's diverse forms of social identity, community, and organization. This was achieved through an, an identifiable, if contested, ideological canon as the result of a concrete encounter with colonial modernity during the 200 years of British domination. In short, colonialism made caste what it is today. इट प्रोड्यूस द कंडीशंस दैट मेड पॉसिबल द ओपनिंग लाइन्स ऑफ दिस बुक बाय मेकिंग कास्ट द सेंट्रल सिम्बल ऑफ इंडियन सोसाइटी तो इन्होंने और निकोलस दीर्घ के काम की का जिक्र हम आगे आने वाले लेक्चर में भी करते रहेंगे बट यदि मोटा मोटी तौर पर कहें कुछ बिंदुओं में तो ये औपनिवेशिक संरचना के सांस्कृ, सांस्कृतिक पक्ष की तरफ हमारा ध्यान खींच रहे हैं जहाँ ज्ञान के नए रूपों और सामाजिकता के नए खांचे, जो विविधता थी वर्ण व्यवस्था में सामाजिक जटिलताएं थीं उन्हें किस तरह से एकीकृत किया गया उसकी तरफ ध्यान खींच रहे हैं और यही समय था जब ब्रिटिश शासन ने भारतीय परंपरा को आइडेंटिफाई किया और उसकी व्याख्या उसकी समझ बनाने में हमारे लिए अहम भूमिका अदा की यह बताते हैं कि किस प्रकार औपनिवेशिक राज्य अपने जस्टिफिकेशन के लिए अपने एक्सप्लॉयटेशन के लिए अपने भारत में अपने राज्य को जस्टिफाई करने के लिए जो पहले से चली आ रही राजनीति और धर्म का, के बीच का समीकरण था राजा और ब्राह्मण के बीच का समीकरण था उसके स्थान पर औपनिवेशिक राज्य और उसके विपरीत जाति व्यवस्था को खड़ा किया जहाँ एक तरफ औपनिवेशिक राज्य आधुनिकता का पक्षधर आधुनिक मूल्यों का हिमायती और दूसरी तरफ ब्राह्मणवादी जाति व्यवस्था भारत के पिछड़ेपन समाज की रूढ़िवादी का प्रतीक तो ये जो दो धारा, दो ध्रुव यह औपनिवेशिक राज्य की और उस हस्तक्षेप की देन निकोलस डिक मांगते हैं और इसमें वे बर्नार्ड कोहन के इनसाइट्स का उनके आर्ग्यूमेंट्स का सहारा लेते हैं और बताते हैं कि किस तरह से ब्रिटिश राज्य ने पुरानी चली आ रही व्यवस्था के अवयवों का एक साथ गलत आंकलन रिप्रेजेंटेशन और सरलीकरण दोनों किया तो यहां मैं समाप्त करूंगा, हम आगे भी चर्चा जारी रखेंगे लेकिन अहम बिंदु है प्रस्थान बिंदु कि जाति के जो राजनीतिक डोमिनेशन का आस्पेक्ट है उसकी तरफ निकोलस देर्क हमारा ध्यान खींच रहे हैं और यह पहचान की राजनीति के साथ और उसकी सामाजिक इतिहास के को समझने में हमारे लिए बेहद सहायक होगा शुक्रिया